ट्रैक्टर से बुआया गया था, लेकिन आज भी ट्रैक्टर से बुवाने का सिर्फ एक ही चीज का अफसोस होता है। वैसे ऐसे फ्रॉड करके आप लोग कितने कमा लेते हैं दिन भर में? हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, चलिए हम लोग आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। तो फाइनली अभी लगभग 10 बज चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ठंडी कम नहीं हो रही है, पूरा एकदम ठंड लग रहा है अभी भी। जैसे ही सुबह हुआ ना, तो वहाँ बाड़े से इनको ढील दिया गया और पूरा इनका जन सैलाब हमारे लोगों के घर के इधर ही आ गया। तो गाइस, यहाँ पर चाचा जी की सारी बकरियाँ चली गई हैं चरने खाने के लिए, और साथ ही हमारी भी। केवल इनका बांधना और खूंटा बस रह गया है, और चलेंगे अब घर की ओर, घर का माहौल देखेंगे क्या कैसा है। तो गाइस, यहाँ पर बब्बा अपना शर्ट सी रहे हैं जो कि सुई धागे से, और बहुत ही मुश्किल होता है जब कभी तो टेलर कैसे सिलवा दिया जाता है, बाकी वैसे पूरा काम घर पे ही। तो गाइस, इन दोनों के ना कान कट चुके, तो ये बुछड़े बुछड़े लगने लगे दोनों के दोनों। आज हमारे घर में फिर से बन रही है फिश, उस दिन मम्मी धो रही थी, आज भाभी जी। और ये मोटा वाला ना थोड़ा ज्यादा ही शेर बनता रहता है, ये देखो ये। और यहाँ पर रखी हुई है खादियाँ जो कि हमको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आज गेहूँ बुवाई का काम है। हो ये हमारा ऋतिक बाबू अभी तक पूरा रो रो के अपना हालत खराब कर ले रहा है। चुप रहो बाबू, कल जाएगा बेचारा नन्नी के यहाँ अपने। तो गाइस, हम लोग भी चलेंगे खेत साइड खाद लेके, क्योंकि वहाँ पर बुवाई का काम चालू होगा, तो उधर ही चलेंगे। खेत वगैरह देखेंगे उधर का क्या हाल हो रखा है, बाकी और खेतों में तो पानी लगाने का काम बाकी था, तो चलिए उधर ही हम आपसे मिलते हैं। तो ऋतिक ने पूरा एकदम सुसु कर लिया था, इसकी वजह से पूरा एकदम रोए जा रहा था, और अब एकदम फ्रेश हो चुका है, कपड़ा चेंज हो गया, तो सो जा आराम से, सो जा। हाँ, खेत में जाने के लिए हमारे पास दो दो साइकिल अवेलेबल है, एक इधर भी है और एक इधर, जो कि चाचा जी की है, ये पापा जी की, तो हम अपने वाली से निकलेंगे। तो गाइज, यहाँ पर ना हमको चलते चलते साइकिल में ही फ्रॉड कॉल आ गई, सो इसका आप लोग रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए कैसा वो बात कर रहा था मेरे से। पर सर, तो अभी तो हम साइकिल चला रहे हैं, सड़क में हैं। अभी आप साइकिल चला रहे हैं तो एक्चुअली बाद में नहीं ना हो पाएगी सर। तो सर, हमारे फोन पे में तो ऐसे ही पैसा डालते हैं, हम नंबर दे देते हैं तो आ जाता है, तो आप भी डाल दीजिए ना। सॉरी सर, एक्चुअली बाद में कैश तक आपका, बाद में जाकर आपका बैंक अकाउंट में जाकर कैश का क्रेडिट नहीं हो पाएगा। ऐसा है सर, मैं लाइन तो बना हूँ, आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करके खुद अपने हाथों से इसको आप कलेक्ट कीजिए। हाँ सर, अभी हम थोड़ा फंसे हुए हैं, थोड़ा रुकिए ना। अभी फंसे हुए हैं तो एक्चुअली अभी इसी वक्त आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा सर, एक्चुअली बाद में नहीं हो पाएगा। वैसे ऐसे फ्रॉड करके आप लोग कितने कमा लेते हैं दिन भर में? क्या हुआ आपको, दिक्कत क्या हो रही है? है दिक्कत क्या हो रही है तुम्हारे जैसे? यहाँ पर मैंने जैसे उसको सीधा सीधा बातों में जवाब देना शुरू किया, तो सीधा उसने तो फोन ही काट दिया। हालांकि वो बंदा समझ गया कि कोई समझदार ही होगा, सो इसीलिए सो आप लोग भी यदि कोई ऐसे आपके पास फ्रॉड कॉल्स आते हैं, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन या फिर इनाम जीतने का झांसा वगैरह देते हैं, तो आप लोग उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, और जितना हो सके तो अवेयर रहें इन सभी चीज़ों से। तो गाइस, खेत में ना ट्रैक्टर तो मेरे पहुँचने से पहले ही लग चुका है, तो हो सकता है अभी थोड़ा सा जोतने का काम कर रहा है अभी, और हम लोग अभी खाद लेकर पहुँचे हैं, फिर इसको मिक्स करेंगे गेहूं में, और गेहूं को इसके बाद बो दिया जाएगा खेत में। मम्मी पापा तो मेरे से पहले ही पहुँच गए, और मैं लास्ट में आ रहा हूँ केवल खाद लेके। तो खेत के पास मैंने फाइनली खादी को पहुँचा दिया गाइस, और मैं आ चुका हूँ अभी दूसरे खेत की। ये है दूसरे साइड वाला खेत, जो कि इसमें पहले से ही इसमें गेहूँ लगाया जा चुका है, जो कि इसको ट्रैक्टर से बुवाया गया था, लेकिन आज भी ट्रैक्टर से बुवाने का सिर्फ एक ही चीज़ का अफसोस होता है, वो गाइस ये है, जो कि जब जब इसको देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का पछतावा होता है कि हम लोग फालतू में ट्रैक्टर से बुवाए। लेकिन फिर भी कोई नहीं, पूरा खेत तो उगाया, सिर्फ थोड़ा सा ही रह गया, तो एडजस्ट करेंगे जैसे भी। और यहाँ पर अगर नाड़ी से बोया गया होता या फिर हल चला करके बोया गया होता अपने से मैनुअली तरीके से, तो थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छे से होता। और लगभग ये खेत अब पानी मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पूरा सूखा हो गया है, बाकी सिर्फ यहाँ किनारे किनारे में थोड़ा बहुत भींगा है, तो इसमें भी अब पानी लगाने का काम चालू किया जाएगा। और बाकी उस साइड तो अभी ट्रैक्टर ही चल रहा है, पूरा जुताई का ही काम चालू है, और पापा लोग एक साइड से बोते जा रहे हैं और ट्रैक्टर एक साइड से जोत कर उसको कोपर बोलते, यानी कि लकड़ी को उसी पर चलाता जा रहा है, ताकि जो बीज है अंदर ढक जाए, बीज और खाद दोनों, ताकि अच्छे से उगे। देख सकते हो अभी ट्रैक्टर एकदम जुताई चालू किया है एक साइड से। हम लोग निकलेंगे फिर से घर की ओर, और मम्मी पापा लोग आएंगे, पूरा ये काम खत्म होने के बाद जुताई बुआई का काम जब हो जाएगा फिर ये लोग आएंगे आराम से। तो हम यहाँ पर खड़े होकर फालतू में अपना टाइम पास करने से अच्छा चलेंगे घर साइड, नहा धोकर एकदम पूरा फ्रेश हो जाएंगे। इस बार हम सड़क से आए थे, अब इस बार गली गली जाएंगे, और पकडंडी गलियों में ना साइकिलिंग का मज़ा ही थोड़ा अलग रहता है। शूज, शर्ट, हैंड पैंट, इन तीनों को हमको एकदम पूरा एकदम वॉश करना है। हमें चलना है कल लॉन्ग ड्राइव पे, तो इसके लिए अभी से तैयारी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस, शूज एंड शर्ट पैंट वगैरह सभी कुछ धुला गया है, और कसम से यार गाइस, गाँव में ना इतना ठंड पड़ रही है कि
कसम से नहाने को मन नहीं कर रहा मेरा। ये महाशय जी जब देखो तब हूँ ही हूँ हूँ चुप रहो लाला शुरू हो जा रहे हैं। हम लोग नहा धो के एकदम पूरा हो चुके हैं फ्रेश और लंच में है ये दाल चावल। और आज एक और गड़बड़, 3 दिन पहले लाया था मैं बल्ब जो कि 10 रुपए वाला है, वो 3 दिन पहले लाया था, 3 दिन भी अच्छे से नहीं चला, चौथे दिन ही खत्म ही हो गया। घर में केवल LED लाइट ही जलाने लायक है, ये सब सस्ते के चक्कर में फालतू में लाना और फालतू में ये जल्दी फ्यूज हो जाता है, बेकार लाइट है ये सब, इससे अच्छा LED लगाओ सबसे ठीक। हमको 1 से 2 दिन तक इन्हीं LED में इन्हीं स्टूडियो लाइट्स में काम करना, सस्ते में हमको LED लाइट चाहिए तो इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा अपने यहाँ जो लड़का है मार्केट मंगल के दिन, तो कल मंगलवार है तो कल तक इसी में काम चलाएंगे, इसके बाद मंगलवार को 1 LED जरूर खरीदेंगे इस घर के लिए। जूता तो गंदा था तो गाइज मैंने तो धो दिया, लेकिन धूप का ये हाल हो रखा है तो आज नाइट में भी हम लोगों को सिर्फ स्लीपर ही पहन के रहना पड़ेगा। तो गाइज फाइनली हम नाइट हो चुकी है और थोड़ा सा हम लोग चलेंगे दुकान साइड, किराने वगैरह का सामान लेना है। तो गाइज यहाँ पर हमारा बिस्तर रेडी हो चुका है, मैं जस्ट अभी आया डिनर करके। सो आई होप कि आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा लें और हम आपसे मिलेंगे अगली नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।